गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी ब्यूटीफुल मॉर्निंग फ्रॉम नाको। नाको में भाई सर्दी बेहद पड़ रही है। हम कल रात को यहाँ पर पहुँचे थे अराउंड 9 बजे की समथिंग, तो मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि हम यहाँ पर भी बारिश पड़ी रही थी। रेगुलरली हमने रूम लिया और फिर हम सीधे आ गए। ओके, अभी मैं मॉर्निंग में उठाऊँ तो भाई कल रात में यहाँ पर हुई है स्नो, जो ताजा ताजा बर्फ गिर पहाड़ों के ऊपर, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। भी थोड़े से बादल हटे हैं, बाकी पूरे भी बादल ही बादल थे यहाँ पर। इस वाले पहाड़ के ऊपर बिल्कुल नीचे तक बर्फ गिरी हुई है। बाकी अभी हम चाय की तैयारी कर रहे हैं, तो दूध तोड़ने वाले की लग गया है। दूध गल रहा है और चीनी डाल दी है, बस चाय पीते हैं, तो कुछ खाने के लिए बनाएंगे, फिर चलेंगे यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे नाको में। यहाँ पर एक नाको लेक है बहुत अच्छी सी, तो थोड़ा ट्रैक है, आई थिंक 1-2 किलोमीटर की ट्रैक है, तो वहाँ पर जाएंगे नाको लेक देखेंगे, फिर जल्दी जल्दी पैकिंग करके फिर निकल जाएंगे। तो गाइस हम रेडी हो गए हैं नाको लेक जाने के लिए। भाई अपनी तीनों बाइकें खड़ी हुई हैं यहाँ पर। ये है हमारा छोटा सा गेस्ट हाउस जिसमें हम रुके हुए हैं, और ये रास्ता है नाको लेक के लिए। तो गाइस फाइनली वी आर एट नाको लेक और यहाँ पहुँच चुके हैं। अच्छे अच्छे सिनेमेटिक शॉट्स ले लिए हैं, वो अभी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा नाको लेक के बारे में बता देता हूँ यार, ये नाको लेक जो है नाको के लोगों के लिए बहुत ही सेक्रेट पॉइंट है। यहाँ पे लोग जनरली पूजा करते हैं नाको की। बाकी यह जगह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर, और ये इसमें लाइफ लाइन है नाको के लोगों के लिए। तो जो भी इनकी दिनचर्या होती है वो इसी पॉइंट से होती है, तो इसलिए ये लोग इसको बहुत सेक्रेट पॉइंट मानते हैं। भाई अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ऊपर एक बुद्धिस्ट प्रेयर पॉइंट है, तो चढ़ाई काफी ज्यादा है बट पहुँच जाएंगे ऊपर। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा छोटा सा ऊपर, तो वहाँ पर पहुँचते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं और प्रेयर भी करेंगे। देखो भाई अंकित भाई की हालत, अरे नहीं फिसलेंगे यार, चलो 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 भाई। चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है यार, इधर नीचे से आ रहे हैं हम, वहाँ से आ रहे हैं लेक पास से बिल्कुल, और यार इतना चढ़ के आए अभी सांस फूल रही है। तो अंकित क्या तो और भी ज़्यादा खराब है, क्या हुआ अंकित? भाई अभी ठीक हूँ, थोड़ा रेस्ट ले लेके चलूँ ना तो ठीक लग रहा है, ठीक लग चलेंगे ना, लेकिन उसके बाद ठीक लगेगा। भाई जो भी हो कितनी भी दुकान हो बट वहाँ पे जाना है। हाँ वहाँ जाना है, वहाँ जाके प्रार्थना करनी है। हाँ प्रेयर करनी है भाई, कि अभी तक का हमारा सफ़र अच्छा रहा है और आगे भी अच्छा ही रहे। इसके अलावा यार जितनी भी थकान है कुछ भी है, लेकिन भाई वर्थ है, क्योंकि यार व्यूज इतने प्यारे हैं ना, और अब तो ग्लेशियर भी देखने लगे हुए हैं। ये देखो नाको का पूरा व्यू आ रहा है यहाँ से, और हम उस रोड से जाएंगे। हाँ पूरा नाको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ऊपर स्नो कैप्ड माउंटेन है, ग्लेशियर्स हैं, बादल हैं, सारी चीज़ एकदम क्लियर दिखाई दे रही है।
हाँ चढ़ गए भाई, पर भोले की सेना भोले की फौज करेगी मौज, चढ़ जाएगी जहाँ मर्जी। वो देखो सामने एक और बैठा हुआ है भाई, बाकी भी चढ़ाई तो बहुत ज्यादा यार, गर्मी आ गई है अंदर, वो लग रहा है गर्मी आ गई, पसीना लग रहा है, पसीना है। फाइनली इतनी भारी मेहनत और मशक्कत के बाद पहुंच गए हम यहाँ पर, और यार ये बहुत ही सेक्रेट पॉइंट है। ये जो व्हील है इसको प्रेयर व्हील बोलते हैं बेसिकली, तो इसके ऊपर जो है बुद्धिज्म में प्रेयर्स लिखी हुई हैं, और उन्होंने इसमें मैकेनिज्म लगा रखा है, ये बेसिकली उन्होंने थाली फिट कर दी है जिससे हवा चलती है तो ये ऑटोमेटिक घूमती है, तो प्रेयर जितनी भी होती हैं अपने आप वातावरण में फैल जाती हैं, और यार ये बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट है, तो हम भी घुमा देते हैं थोड़ा सा। भाई अब ये वाला पॉइंट कवर करने के बाद हम चलेंगे नीचे, अपना सामान बांधेंगे बाइकों पे अपने अपनी, फिर निकल देंगे सीधे काजा के लिए। और देखिए इनको एक छोटा सा टेंपल भी बना हुआ है, तो यहाँ पे मान्यता ये है कि जो भी कोई आता है तो एक पत्थर इसके ऊपर जरूर रखता है, जैसे ये छोटे छोटे टापू बनाए हुए हैं उन्होंने, इन टापुओं के ऊपर एक पत्थर जरूर रखता है। इससे होता क्या है बेसिकली कि आपका सफ़र जो है ना वो एकदम अच्छा कटता है, इन लोगों का ऐसा मानना है, बाकी हमें नहीं पता, बट करेंगे तो हम भी यार। तो भाई यहाँ की बहुत ही फेमस वाटर क्रॉसिंग आ चुकी है मलिंग नाला। ओहो पानी तो बहुत तेज है भाई, निकलेंगे कैसे देखते हैं। हाँ निकल गए भाई, एक बार फिर फिसलते फिसलते रह गई भाई, बट निकल गया फाइनली। आ रहे हैं ऊपर से, ये हाथ ला रहे हैं देखो।
मनीष भाई कैसा लग रहा है इस रोड पे? पट्टी पड़ी है। मजा तो आ रहा है यार। मजा तो आ रहा है। लूप करनी है क्या चैन? कर ले क्या यहीं पर? कर लेते हैं यहीं पर कर लेते हैं। हाँ चैन लूप कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे थोड़ा सा, क्या ये काम बहुत जरूरी है। चैन लूप कर ले। ये देखो भाई इतना बड़ा पत्थर है, बिल्कुल हल्का सा टिका हुआ है, कभी भी गिर सकता है नीचे। और ये पूरा पहाड़ होगा आई थिंक, इसको काट करके बीच में से रास्ता बनाया है। सही है। जान निकल गई, दिल की धड़कने ऐसी हो रही धक 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 धक। ओह माय गॉड, अब यार बहुत ध्यान से चलाएंगे भाई। भाई साहब बच गया मैं, बिल्कुल बच गया। अरे आराम से, नहीं पता दिक्कत क्या थी, मैं भाई देख रहा था इधर, एकदम से मूड वो आ गया। जैसे जैसे दिन ढलने को हो रहा है वैसे वैसे एक तो हवा बढ़ती जा रही है और ठंड बहुत बढ़ती जा रही है। इसके अलावा हमारे जूते भी भीगे हुए हैं यार, परेशानी हो रही है अब थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, बट वो हम मैनेज कर लेंगे डोंट वरी। फाइनली गाइस वी आर एट ताबो, दिख रहा होगा आपको एक ये शहर जो है छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा न्यारा सा, यही है ताबो। 1 किलोमीटर यहाँ से है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है यार, इतना बढ़िया लैंडस्केप है ना यहाँ पर, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑसम। बाकी यार हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है इसलिए हम यहाँ पर रुक नहीं पाएंगे, वरना डेफिनेटली आपको दिखाते। जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आएंगे हम तो ताबो में रुकेंगे ज़रूर, बहुत ही सुंदर। और ये देखिए इतने लंबे लंबे पेड़ हैं, आई डोंट नो किस चीज़ के हैं बट बहुत ही सुंदर है यार। काजा है 46, किब्बर 66, लोसार 103, कुंजम टॉप 118, गांफो 183, रोहतांग टॉप पता नहीं कितना है। काजा के लिए सीधे जाना है हमें, अभी 48 किलोमीटर और है, मतलब 48 किलोमीटर का मतलब 1.5 घंटा और। ओ भाई फाइनली अब क्रॉस करने वाले हैं हम वर्ल्ड फेमस ताबो ब्रिज। ये देखो नज़ारे, फ्लड कितनी तेज़ है यहाँ पर, और ये सारा का सारा बारिश का कमाल है। अभी रिसेंट में जो बारिश हुई है ये सब वहीं से पानी आ रहा है। निकलते हैं अपन, भाई लोग अपने आगे निकल गए हैं। आ गया फिर से लैंडस्लाइड जोन, यहाँ से नहीं होना पड़ेगा, मैं जल्दी से जल्दी गोन। ये देख लो भैया
वैसे काम तो ठीक ठाक है यहाँ पे, पत्थरों का और वो तारों से बांध के लगा दिया है, बट फिर भी कितना ही रोकेंगे बेचारे तार भी। बहुत तेज है यार, टिक 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 टिक, आ गया डेंजर सा एरिया एक। ये देखो चीज, देखो 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 देखो, देखो शायद आगे लैंडस्लाइड हो रखा है, गाड़ी खड़ी हुई है और ट्रक भी एक फंसा हुआ है, शायद बाइक निकल जाए, देखते हैं चलकर एक बार क्या दिक्कत है वहाँ पर। वो बाइक निकल जाए वरना दिक्कत हो जाएगी, लेट पे लेट ऑलरेडी हम काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। निकल गए फाइनली, बाइक निकालने के लिए जगह मिल गई। आराम आराम से आओ यार, आराम आराम से, तभी तो कह रहा हूँ।